लेकिन मैं देख रहा हूं
जनसभा में परिवर्तित हो गया है और जनसभा भी ऐसी है जिसमें पांच फ्लोर पर लोग खड़े हैं, चार फ्लोर पर। जब मैंने एमपीबी नागराज जी का नाम लिया तालियों ने और आपकी सीटियों ने मुझे बता दिया कि आप एमपीबी नागराज को फिर से बता सकते एमपीबी को जो आप एमपीबी को जब आप विधानसभा में भेज रहे हैं तो सिर्फ ये विधानसभा पहुंचे ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए और कर्नाटक में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा कर सके और कर्नाटक को विकास की एक नई सरकार बोलता हूं तो बताइए मोदी जी के कारण यहां विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। फोर लेन सिक्स लेन मिला कि नहीं मिला, रेलवे का एक्सटेंशन हुआ कि नहीं हुआ, मेट्रो आया कि नहीं आया, हॉस्पिटल आया कि नहीं आया, जल जीवन मिशन में घर में पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची कि नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 10,000 रुपए मिला कि नहीं मिला। आप बताइए विकास के डबल इंजन की सरकार को रखना है कि नहीं रखना है। इसमें सबसे पहली बात है डबल इंजन और डबल इंजन के लिए हमको काम करना है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आपको बता दूं कि जब सिद्धारमैया की सरकार आई तो उन्होंने हमारी यशस्वी स्कीम को रोक दिया था, जब कुमारस्वामी की सरकार आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम नहीं भेजे थे। आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या यहाँ पर? आप चाहते हैं क्या? मैं ऊपर से सुनना चाहता हूँ, ऐसी सरकार चाहते हैं क्या? इसलिए डबल इंजन की सरकार दिल्ली में मोदी जी कर्नाटक को आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ धरती पर कमाई जी पूरी